प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह के मेरे प्रियो, जो आपने वीडियो देखा है, ये जो वीडियो है वो पंजाब का है। पंजाब में मसीही लोगों के ऊपर इन दिनों में हमला हो रहा है, चर्चों में तोड़फोड़ की जा रही है, मसीही लोगों को मारा जा रहा है, और इस प्रकार की जो घटनाएं खबरें हम पंजाब से देख सकते हैं। इन दिनों में हम देख रहे हैं कि पंजाब में जो मसीही लोगों के ऊपर जो हमले हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ये जो वीडियो है वो वीडियो पंजाब के मोहाली से आया है, जहाँ पर एक टेंट में परमेश्वर की संगति हो रही थी, लेकिन कुछ विरोधी लोग आते हैं और टेंट को तोड़फोड़ कर देते हैं और वहाँ पर जो मसीही लोग हैं उनके साथ मारपीट करते हैं। इस प्रकार का जो वीडियो है वो पास्टर ने भेजा है, पास्टर जेकब है, कृपया करके उनके लिए प्रार्थना करें कि जो टेंट बनाया था, टेंट के अंदर जो संगति कर रहे थे, उस टेंट को तहस नहस कर दिया है, तोड़फोड़ कर दिया गया है और महिलाओं को मारा है और पुरुषों को मारा है। इस प्रकार की जो घटना पंजाब के मोहाली से आ रही है, संगति है वो पुलिस प्रशासन से अनुमति लिया गया था, उसके बाद ही वहाँ पर टेंट लगाकर परमेश्वर की संगति हो रही थी, आराधना हो रही थी, लेकिन कुछ ऐसे लोग आते हैं जो मसीही लोगों से नफरत करते हैं, क्रिश्चियन से नफरत करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से नफरत करते हैं, परमेश्वर के वचन से नफरत करते हैं कि ये लोग पूरे पंजाब को क्रिश्चियन बना देंगे। इसलिए कुछ लोगों को भड़काया गया है, जिसके कारण से दिन प्रतिदिन मसीही लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर हम आपको चर्च लगने नहीं देंगे, इस प्रकार की चेतावनी मोहाली में पास्टर के सामने विरोधियों ने दी। और ख़ास बात यह है कि जो तोड़फोड़ किया गया है वो पुलिस प्रशासन के होते हुए ये तोड़फोड़ किया गया है, पास्टर ने बताया है। पास्टर जेकब आगे कहते हैं कि उनके पास पूरे नाम हैं कि कौन कौन लोग वहाँ पर हमला करने के लिए आए थे, और वो एसएसपी को उनके नाम सौंपेंगे और पुलिस प्रशासन है वो उचित कार्रवाई करेंगी। लेकिन पुलिस को होते हुए भी पुलिस ने वहाँ पर रोका नहीं है, पुलिस प्रशासन की गलती है, पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए है और वहाँ पर कोई गलत काम नहीं हो रहा था, परमिशन लेकर वहाँ पर प्रभु का काम हो रहा था, लेकिन वहाँ पर पुलिस केवल देखती ही रहती है और जो लोग आते हैं वो पूरे जो टेंट को तहस नहस करते हैं। और इस प्रकार की एक दुखद घटना हम पंजाब मोहाली में देख सकते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में जो लिखा है आज वो पूरा हो रहा है, जो वचन में जो लिखा है आज हम उसको पूरा होता हुआ देख रहे हैं कि प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। वचन में जैसा लिखा गया है कि अंत के दिनों में मसीही लोगों के साथ हमले होंगे, मसीही लोगों को मारा जाएगा, मसीही लोगों को जेल खाने में डाला जाएगा, मसीही लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाएगा, ये बाइबल में पहले से ही प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया था। तो हम इन दिनों में अंत के समय में जी रहे हैं, इसलिए जो मसीही लोग हैं इन सारे अत्याचारों को सहते हुए प्रभु यीशु मसीह का काम कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, उनके लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है और वो भी प्रभु देगा। हालेलुया। जो इस प्रकार की घटना उनके जीवन में आती है लेकिन फिर भी वो प्रभु के लिए खड़े रहते हैं, प्रभु का काम करते हैं, फिर भी वो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनके लिए स्वर्ग में बहुत ही बड़ा प्रतिफल है। मत्ती उसका 5:10 में लिखा गया है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्रिय करके पास्टर जेकब और उनकी टीम के लिए प्रार्थना करें कि वहां पर और भी प्रभु का काम होने पाए। आप सभी को जय मसीह की प्रेज लो।